कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। यौन शोषण के आरोपों में फंसे मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का व भाजपा महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर पुलिस की तरफ से एक्शन जांच नतीजों पर निर्भर करेगा। यह बात और है कि यौन शोषण के खुले आरोप किशोरी ने इन तीनों ही सफेद पोशों पर चस्पा किए हैं। इस बीच पुलिस जांच वह सामाजिक छवि पर पड़े डेंट को डाइवर्ट करने के लिए तमाम ऑडियो मार्केट में उछाले जा रहे हैं। रमेश चंद गुप्ता व उनके वकीलों की फौज इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह पीड़ित अथवा उसका भाई रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ बोल दे जिसका जवाब देना उन्हें भारी पड़ जाए। 50 लाख रुपए की मांग जैसी ऑडियो भी इस दौरान सामने आई है। वहीं किशोरी के भाई का फर्स्ट पार्ट टीवी से यह कहना है कि बयान से पहले प्यारेलाल शर्मा ने बुलाने वाली वीडियो उसी की है, लेकिन वह क्या कहता जब लगातार फोन पर फोन कर उस पर बयान बदलवाने का दबाव बनाया जा रहा था। वह रमेश चंद गुप्ता को एक बार सामने आने के लिए प्यारेलाल हॉस्पिटल बुला रहा था, लेकिन रमेश गुप्ता को न तो आना था और न ही वह आया। इस बीच सेक्स वीडियो लीक मामले में कड़ी फजीहत के बाद भाजपा नेताओं ने भले ही सवालों पर चुप्पी साध ली है, लेकिन अभी तक राज्य मंत्री संजीव सिक्का, महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी और एक दूसरे मामले भाजपा नेत्री के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह व रविंद्र नागर पर कोई कार्रवाई अभी तक पार्टी ने नहीं की है। रविंद्र नागर एक सजातीय मंत्री का खासा करीबी है। आइए पहले सुनिए रमेश चंद गुप्ता को, जिसमें वह यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि क्या वो 50 लाख रुपए मांग रही है। इस पर अमरीश को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वह पैसे तो मांग ही नहीं रही है। अंत में दबाव बनाने पर अमरीश किशोरी से मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हुए यह बात करता है। इस ऑडियो को यह कहते हुए वायरल किया गया है कि उधर से पैसे की डिमांड की जा रही थी, पैसे न देने पर ही यह सारा रायता फैलाया गया है। सुनिए। मांग तो कुछ भी नहीं रही, ये तो ये कह रही है कि बस मेरी लाइफ सेट। 50 लाख रुपए मांगे हैं क्या? मैंने इससे ये कहा, मंत्री देखो ऐसा है, फोन मिला के देखो ना, फोन उससे फोन उठा ही नहीं रही। अब उठा के देखो, मिला के देखो तुम्हें क्या चाहिए तो ये बता। तो क्यों बीच लोगों को दलाल बना रही है? अब तुमने इतना तो कर दिया सब कुछ, और क्या करेगी तुम? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ देखो, गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ तुम क्या चाहती हो? देखो मेरा एक सजेशन ये है तुम्हारे लिए, भाई थोड़े बहुत तो पैसे ले लो, ठीक? और जो है वैसे तुम ये बताओ तुम क्या चाह रही हो, ये बताओ। देखो मुझे रहने की। अच्छा ठीक, अगर ये मुझे दे देता तो चाहिए फिर। कितने फिर कुछ देखो कुछ कितने, गुप्ता जी ने मेरे से बहुत कहा है कि अमरीश देखो तुम्हारे टच में है, देखो पूरी कचहरी मेरे पर उंगली उठा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है क्या? ठीक, तुम अपनी अपनी बताओ, तुम अपनी बताओ ना, तुम क्या चाह रही हो? देखो मेरी बात सुनो, देखो गुप्ता जी की जितनी उछलनी थी और जितना तुम्हें करना था उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है, और गुप्ता जी के पीछे इस समय इतने वकील पड़े हुए हैं पैसे मांगने के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो मैं जो तुम्हें किराए पे कमरा दिलवा दें, ठीक है? नौकरी हम दिलवाएं तुम्हें या तुम ढूँढ लोगी? तो पैसे तो बताओ कितने? पैसे 15 से 15 आ सकते हैं। ऐसा देखो मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% बच रही है। हाँ से 15 आ सकती है, मिला के 15,000। 15,000? 15,000 सिर्फ, मतलब 15,000 में कर रहे हो आप? कितने बोल लिए? अब रमेश चंद गुप्ता का किशोरी के भाई से बयानपुर हुई बातचीत का ऑडियो भी सुनिए। मेरे रखो, सुनो
गाड़ी में रहेंगे पैसे। सुनो आप जैसे ही बैंक से आ दोगे, सुनो जैसे हम बात करेंगे और पैसा हम लेके चले जाएंगे है? और किसे के नहीं नहीं पैसे लेके चले जाओगे? नहीं पैसे लेके मतलब बयान देंगे नहीं देंगे बात कर लेंगे बयान आ जाओगा। हाँ जैसे तो कैसे लेके चले जाओगे पैसे आप? अरे कोर्ट में सर, कोर्ट में तो कल होगा बयान। हाँ तो फिर तो कुछ तो मतलब ऐसा करो ना, अभी कह रहे हो कि इसको नहीं, अभी कह रहे हो कि इस डॉक्टर से पहले बयान से पहले मिलो, अब कह रहे हो कि कोर्ट में बयान से पहले मिलो, मैं करना क्या है? मम्मी परेशान हो रही है। नहीं तो तुम तो सुनो, आपको भी अब इस ऑडियो पर किशोरी के भाई का कहना है कि लगातार मोबाइल पर दबाव बनाए जाने से परेशान होकर उसने ये बात रमेश चंद गुप्ता से की है। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा रमेश को एक बार सामने लाने की थी। कुल मिलाकर रमेश चंद गुप्ता व उसके वकीलों की फौज इसे हनी ट्रैप जैसा मामला बनाने की जुगत में है। इसमें रमेश गुप्ता राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का व भाजपा महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी कितना सफल होते हैं यह पुलिस जांच नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार।